Hello student, welcome to our computer class. Today topic is important of self-management. What do you mean by self-management? Self-management is managing yourself to achieve the predetermined task or goal that you have set yourself by regulating your action, organize your time and being accountable for your decision. For example, बेटा अपने आप को मैनेज करने की जो मेथड्स हैं अपने गोल्स को किस तरह से आपने अचीव करना है दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट. फॉर एग्जांपल आपने एक गोल बना रखा है कि एक दिन में आपने 1 आवर फोन यूज करना है. अब उस 1 आवर से जब आप ऊपर जाने लगोगे तो आपको अपने आप लिमिट होगी कि आपने फोन बंद करना है. दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट कि आप किस तरह से अपने लिए रूलिंग को बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट. किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हम जो मैनेजमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट. फॉर एग्जांपल आपने साइकिल टेस्ट में अच्छे मार्क्स देने हैं तो ये आपका गोल है. इसके लिए आपको किस तरह से मैनेज करना है, आपको डेली चैप्टर को रीड आउट करना है, आपने पर डे में 2 आवर्स पढ़ने हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट. क्लियर है बेटा? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर जो है वो घर पे कुकिंग कर रही है, वॉशिंग कर रही है, स्टडीज कर रही है, तो ईच एंड एवरी टास्क डन बाय योर मदर एट होम, तो वो क्या कर रही है, आपके घर को मैनेजमेंट कर रही है, मैनेज कर रही है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. तो बेटा सेल्फ मैनेजमेंट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट प्लानिंग कि आप क्या प्लान करते हैं. प्लान मीन्स जैसे आपने प्लान किया कि आपको 70% 80% मार्क्स आएंगे, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग. उसके बाद सेकंड स्टेप होता है बेटा हमारा ऑर्गेनाइज. किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हो, क्या एफर्ट्स किए और किस तरह से अपने आप को रीडायरेक्ट कर रहे हैं कि आपने सुबह जल्दी उठना है या इवनिंग में 1 आवर पढ़ना है एक चैप्टर को. उसके बाद होती है कंट्रोलिंग. इट मीन्स आपको 1 आवर देना है डेली स्टडी के लिए, तो आप दे रहे हैं, आपने आपको किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट. बेटा उसके बाद है हमारी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. सेल्फ मैनेजमेंट जो है इसकी 3 कीज होती हैं, इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी. इनिशिएटिव मींस क्या है बेटा? इनिशिएटिव मींस डूइंग द राइट थिंग विदाउट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू. आपको हर समय सही करना कि मींस आप राइट थिंग्स करें. इनिशिएटिव रिक्वायर वन टू बिलीव इन ओन कैपेबिलिटी एंड रिजल्ट टू वर्क इवन when faced with the obstructions and disappointment. For example, कि आपके marks कम आए तो आपको initiative लेना है कि अब आपके marks आपको ज्यादा लाने हैं, तो उसके लिए आपको किसी को बोलने की जरूरत ना हो, आपको अपने आप initiative लेना है, तो that is called initiative. Second, organization skills is the ability to use your time, energy and resources. कि आप अपनी ability के according, आप में जो काबिलियत है उसके according आप अपने time को, अपनी energy को, अपने resources को किस तरह से use कर रहे हैं अपने goals को achieve करने के लिए, that is called organization skills. Identify and define specific goals. आप identify करिए और specific करिए अपने goals को. To achieve a goal, it is important to clearly define your goals. For example, your goal is to have a holistic growth. It means आप अपनी physical growth के साथ अपनी mental growth और social development सब कुछ चाहते हैं अपनी growth. ये नहीं कि आप सिर्फ किताबी कीड़े बने, आपको खेलना भी है, एक्टिविटीज भी करनी है, अपनी बॉडी फिजिकल डेवलपमेंट भी चाहिए. ब्रेक डाउन गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क. आप अपने गोल्स को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कीजिए, स्मार्ट स्ट्रेटजीज बनाइए. अपने बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, ब्रेक डाउन गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई
ए वेल डिफाइंड टास्क डैट हेल्प यू टू फोकस योर एफर्ट्स, जिसमें आप एक वेल डिफाइंड टास्क बनाएंगे और फोकस करेंगे उसमें अपने गोल्स को. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल कवर माय सिलेबस इन अ टाइम, आप एक टाइम लिमिट बनाइए कि मुझे ये कल तक ये चैप्टर करना है, तो स्पेसिफाई कि आपने कल तक करना है. मेजरेबल कि आप उसको मेजर कर सको, कि आई विल सॉल्व 20 मैथ प्रॉब्लम्स, कि मैंने 20 जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो 2 आवर्स में करने ही करने हैं. एक टाइम लिमिट सेट कीजिए अपने अचीवेबल, और उसके बाद सेट टारगेट्स दैट आर रियलिस्टिक एंड कैन बी अचीव, और ऐसे ड्रीम्स लीजिए जिसको आप अचीव कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने मार्क्स लाने हैं 80%, तो आप अचीव कर सकें. इस तरह के अपने टारगेट सेट कीजिए. रियलिस्टिक डिवाइस ए रियलिस्टिक प्लान, अब अपना प्लान बनाइए कि जैसे आपको 80% मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए आपको पर आवर्स टू आवर्स आपको स्टडीज के लिए पढ़ना है. टाइम फाउंडेशन, ए टाइम फाउंडेशन टारगेट इन्फॉर्म यू वेदर यू आर प्रोग्रेसिंग एट राइट प्लेस और नोट, कि टाइम फाउंडेशन करनी है कि ये चैप्टर शाम तक मैं कर लूंगा, डैट इज कॉल्ड टाइम बाउंड. टाइम मैनेजमेंट, बेटा टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, इट रेफर टू मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली सो डैट द राइट टाइम इज एलोकेटेड टू द राइट एक्टिविटी, जिससे आप टाइम मैनेज करिए, इसलिए हर एक्टिविटी को प्रॉपर टाइम दीजिए. जैसे ये नहीं कि आपने सारा दिन पढ़ना है, 2 आवर्स स्टडीज के हैं आपके, 2 आवर्स खेलने के हैं, फिजिकल एक्टिविटीज के हैं, 2 आवर्स आपके हाउस एक्टिविटीज के हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है. मतलब कौन सा काम जो किस टाइम पे करना है, डैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट. इसके लिए बेटा आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग. तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग. प्लानिंग की आपको प्लानिंग करनी है कि आप हर एक डे का प्लान बनाइए, एक वीक का प्लान बनाइए, एक मंथ का प्लान बनाइए, एक ईयर का. गिव टाइम स्लॉट, तो हर एक टास्क के अकॉर्डिंग आप उसको टाइम स्लॉट बनाइए. जैसे आपने पढ़ना है तो आपने 2 आवर्स टाइम के बना दिए, पढ़ स्टडीज के बना दिए. फिर आपका स्पोर्ट्स का टाइम है तो स्पोर्ट्स टाइम दे दिया, एक्सरसाइज टाइम है, ईटिंग टाइम है, तो आप अपना स्लॉटिंग्स बनाइए. प्रायोरिटी एंड शेड्यूल्स, अपनी प्रायोरिटीज देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी शेड्यूलिंग बनाइए. आपकी प्रायोरिटी, आपका इंटरेस्ट ड्राइंग में है तो 1 आवर आप ड्राइंग को दीजिए. शेड्यूल बनाइए कि जब आप स्टडी से थक जाए तो थोड़ा सा आर्ट कर लीजिए. लर्न टू से नो, और जो चीजें आपके लिए हार्मफुल हैं आप उसको नो कहना सीखिए बेटा. स्पेंडिंग द राइट टाइम, हर एक एक्टिविटी के लिए राइट टाइम पे काम कीजिए. डैट मीन्स जब एक्सरसाइज होती है तो फ्रेश एयर में होती है, उसके लिए मॉर्निंग टाइम बेटर है, तो वो क्या है, आप राइट टाइम चूज कीजिए. उसके बाद बेटा हम अगर टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास. सेल्फ मैनेजमेंट, अगर हमने हर एक टाइम, हर एक टास्क प्रॉपर टाइम पे किया है तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स आता है. सेल्फ मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शनल स्किल्स फॉर एवरीवन, एज ए टीचर यू टू प्रोडक्टिव नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांस. As we grow, the demand on our times and efforts increase from the all aspect of life. It means, अगर हम self-manage अपने आप को person करता है, तो उसके positive results आते हैं. Positive make you more organized, आप ज़्यादा organized हो जाएंगे. While planning your schedule, जब आप हर एक चीज़ का scheduling कर रहे हैं, time slotting बना रहे हैं, तो आपको study के लिए भी time मिलेगा, relax के लिए भी मिलेगा, ब्रेक के लिए भी मिलेगा, और एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम प्रॉपर मिलेगा. इंस्टिल डिसिप्लिन व्हेन यू मेक ए शेड्यूल, जब आप कोई शेड्यूल बनाते हैं एंड कमिट योरसेल्फ टू डू इन ए सेपरेटेड टाइम, यू रिजेक्ट अदर अनइम्पॉर्टेंट इनविटेशन फ्रॉम एनीवन, तो आप डिसिप्लिन होते हैं, आपकी लाइफ जो है वो डिसिप्लिन होती है. हेल्प इन अटेंडिंग गोल्स, आप अपने गोल्स को इम्प्रूवली आप उसको सिक्योर कर सकते हैं. जैसे आपने गोल बनाया कि आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, आप प्रॉपर टाइम दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो आप डेफिनेटली उसको अचीव करेंगे. तो इफ यू मेक ए शेड्यूल फॉर एग्जाम एंड फॉलो इट डिसिप्लिन, व्हेन यू
you will be able to prepare for your exam. Self-confidence, बेटा जब आपकी लाइफ में आपके गोल्स होंगे, उन गोल्स के अकॉर्डिंग आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी, टाइम मैनेजमेंट होगी और आप पंचुअल होंगे और आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसे ही फुल हो जाता है। अगर आप हर एक टास्क को प्रॉपर टाइम पे करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। और कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर, फिर आप क्या कर सकते हैं, व्हेन पीपल अराउंड यू, योर फैमिली, टीचर्स, क्लासमेट एंड फ्रेंड वॉच यू परफॉर्मिंग टू अचीव गुड रिजल्ट, आपके रिजल्ट्स बढ़िया आते हैं विदाउट एनी पुश और सुपरविजन, दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग। जब आप अपने गोल को प्रॉपर अचीव कर लेते हैं तो दूसरे लोग जो हैं आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। योर पेरेंट्स एंड टीचर रियलाइज दैट दे डू नॉट नीड टू कंट्रोल ऑन ए फोर्स, कि आपको किसी तरह की फोर्स की जरूरत नहीं है और आपकी रिकॉर्ड की जाती है और आपकी रिस्पेक्ट की जाती है। इनहांस सेल्फ मैनेजमेंट स्किल हेल्प टू लीव ए मोर ऑर्गेनाइज, स्ट्रेस फ्री एंड फुलफिलिंग प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। थैंक यू।